नमस्कार दोस्तों, मैं शांतनु आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल यूनिक टेक सॉल्यूशन पर। दोस्तों आज का वीडियो होने जा रहा है कुछ खास, क्योंकि आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक 33/11 kV 5 MVA ट्रांसफार्मर का टेप चेंज। दोस्तों टेप चेंज क्यों करते हैं इसके बारे में मैंने डिटेल से ट्रांसफार्मर वाले चैप्टर में बता रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप मेरे ट्रांसफार्मर वाले चैप्टर को देख सकते हैं। लेकिन आज का वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के पास में जो घंटी का बटन है उसे जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं इस तरह का कोई वीडियो लेके आऊं तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कोई सुझाव हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों टेप चेंज की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि गर्मी के सीजन में क्या हुआ था, लोड काफी बढ़ गया था, जिस वजह से जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर थे वो कम वोल्टेज आउटपुट दे रहे थे। तो यहाँ से हमने क्या करा था, टेप को बढ़ा दिया था, जिस वजह से यहाँ 11 kV प्रॉपर आउटपुट हो रहा था, जिस वजह से जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर थे वो प्रॉपर 230 वोल्टेज दे रहे थे। लेकिन अब बारिश हो चुकी है तो जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो हाई वोल्टेज, थोड़ा 11 kV से थोड़ा ऊपर वोल्टेज निकाल रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है दोस्तों, देखिए हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसमें जो मीटर लगा हुआ है उसमें हमें 257 वोल्टेज, 256 वोल्टेज, 257 वोल्टेज, इस तरह के हमें मतलब 230 वोल्टेज से 20-25 वोल्टेज ऊपर ही मिल रहा है, जिस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो आज हम इसी को कम करेंगे टेप चेंज करके 11 kV सप्लाई। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, हम हमारे ब्रेकर के पास आ चुके हैं। यहाँ पर आप मीटर में देख सकते हैं जो 11,000 आना चाहिए, जिस जगह हमारे पास लगभग 11.5 मतलब 11,500 वोल्टेज के लगभग आ रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वो भी वोल्टेज को थोड़ा बढ़ा के आउटपुट कर रहा है। तो इसे ही हम कम करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हमने यहाँ पर चेक कर लिया कितने वोल्टेज आ रहा है, हमें कितना पॉइंट टेप कम करना है। तो हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पर एक पॉइंट टेप चेंज करेंगे। तो दोस्तों जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें इस तरह का एक पहिया होता है गोल लोहे का, तो ये इसी के जरिए ही हम टेप को बढ़ा या घटा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो 33 kV सप्लाई है उसको जीरो लोड करेंगे। जीरो लोड करने के बाद उसको बंद करेंगे, ठीक है। जीरो लोड करने से पहले हम जो हमारा आइसोलेटर स्विच है उसे नहीं काट सकते, तो हम हमारे कर्मचारी को बुलाते हैं, सबसे पहले सारे फीडरों को जीरो लोड करवाते हैं। ये देखिए हमारा जो कर्मचारी है एक एक करके हमारे सारे फीडरों को जीरो लोड किया है। अब हम 33 kV का ब्रेकर भी ट्रिप करेंगे, हमारे साथी कर्मचारी यहाँ खड़े हैं, तो चलते हैं 33 kV के ब्रेकर की तरफ। ये हमारा आइसोलेटर है, मेन आइसोलेटर 33 kV का, ठीक है। तो सबसे पहले हम 33 kV का ब्रेकर को ऑफ करते हैं, ठीक है। ऑफ कर दिया गया है, यहाँ पर सेफ्टी का विशेष ध्यान रखिए, ग्लव्स पहन के रखा है हमारे कर्मचारी ने, हेलमेट पहन रखा है। इसके बाद हम 33 kV के आइसोलेटर को काटेंगे, क्योंकि हम 5 MVA वाले ट्रांसफार्मर पर काम करेंगे तो हम उसका जो आइसोलेटर है उसे ही काटेंगे। देखिए यहाँ पर आइसोलेटर पूरी तरह से कट चुका है, बिल्कुल पत्तियाँ सीधी हैं। अब हमारे जो कर्मचारी हैं, हमारे जो साथी बंधु हैं, वो टेप को चेंज करेंगे। इसमें एक पिन होता है, इस पिन को हमें खींचना होता है, खींचने के बाद जस्ट हम एक पॉइंट कम करेंगे इसमें, ठीक है। इस तरह से घुमा के हम एक पॉइंट कम कर देंगे और पिन को अच्छी तरह से लॉक कर देंगे ताकि ये ढीला ना हो, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा जो टेप चेंज हो चुका है, अब हम वापस से 33 kV सप्लाई को रिस्टोर करेंगे, चालू करेंगे। हमारे जो साथी बंधु एक बार और चेक कर रहे हैं यहाँ पर कि ये सही से हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो ये हो चुका है हमारा टेप चेंज, अब हमारे जो सप्लाई है हम उसे चालू करेंगे और हमारा जो प्रॉब्लम था हाई वोल्टेज वाला वो सॉल्यूशन हो चुका होगा, ठीक है। अगर इसमें भी थोड़ा बहुत वोल्टेज ऊपर आ रहा होगा तो हम यहाँ पर एक और पॉइंट इसी तरह से कम कर देंगे, ठीक है। हमारे कर्मचारी ने आइसोलेटर लगा दिया है, 33 kV ब्रेकर को अब ऑन कर देंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।